वो देखिए अमर फल का वृक्ष, कितना अद्भुत दृश्य है ना। पंछी, जीव, जंतु सब उस फल की सुगंध से अपनी भूख मिटा रहे हैं। ये पक्षियों ने क्रंदन क्यों प्रारंभ कर दिया? क्या ये कुछ बताना चाह रहे हैं? कुछ नहीं काना, वो बस हमें देख यूं ही उत्साहित हो रहे होंगे। धुआं कैसा? इस वृक्ष में स्वयं आग कैसे लग गई? कहीं उस श्राप के कारण तो नहीं? ऐसे तो हम अमर फल कभी स्पर्श नहीं कर पाएंगे। धीरज धरिए दाऊ, ना ही अमर फल नष्ट हुआ है और ना ही वृक्ष पर आग लगी। यदि ऐसा होता तो पशु और पंछी पुनः वापस यहाँ नहीं आते। जाओ, उस अमर फल की सुगंध अभी भी आ रही, वो यही कहीं पे है। ये तो ऐसे ही होता है खाना, किंतु वो है कहाँ? ये वृक्ष नहीं, अमर फल के बीज हैं। हमें इसे बोना पड़ेगा और फिर इसी से फल आएंगे। देखिए दाऊ, जहां मैंने बीज रोपित किए थे वो कितनी शीघ्रता से बढ़ रहे हैं। अमर फल की ऊर्जा का प्रभाव है, इसने धरा को भी कंपित कर दिया है। ये कोई साधारण भूमि पे नहीं उपजेगा काना, तो इसे रोपित करने का उपाय क्या है काना? उपाय तो अब बस इनकी माता ही बता सकती है दाऊ, जिनसे ये उपजे हैं। कौन काना? प्रभु के चरणों में पृथ्वी का प्रणाम स्वीकार हो। आदेश कीजिए प्रभु, किस प्रयोजन से बुलाया है मुझे? आपको तो क्या आती है कि ये अमर फल के बीज है। मुझे अपनी भूमि का वो अंश बताएं जहाँ पे मैं इन्हें रोपित कर सकूं। क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, ऐसी भूमि है भी और नहीं भी। समस्त भूखंड में ऐसा कोई पावन स्थान नहीं है जहाँ देवी अन्नपूर्णा का ये अमर फल उपज सके। एक स्थान था जहाँ की भूमि इसकी ऊर्जा को झेल सकती थी और रोपित कर सकती थी, किंतु अब वो भी उपलब्ध नहीं है। क्यों माते? क्योंकि उस भूमि पर जिसने भी प्रवेश किया वो जीवित नहीं बचा। वहाँ के प्रहरी ने अपने चारों पांव तले उन्हें कुचलकर मार डाला। वो देखो खाना, रुको, वो देखो वहाँ एक हल पड़ा हुआ है। उससे भूमि जोतने के पश्चात हम इन बीजों को रोपित कर देंगे। वो अपने पैरों से बीजों को नष्ट ना करने पाए। भाग मेरे प्रभु, जो आपके दर्शन हुए, आपकी कृपा से मैं श्राप मुक्त हो गया। तुम कौन हो? मैं भूदेव हूँ। कठोर तपस्या के पश्चात वरदान स्वरूप मुझे ये अक्षय भूमि प्राप्त हुई थी। यह समस्त संसार की सबसे उपजाऊ भूमि है, किंतु लालचवश मेरी मति मारी गई थी। अहंकार में अंधा हो मैंने अन्याय का पाठ लिया और ये मेरी दशा हुई। अरे बैल को अभी भोजन कराने की क्या आवश्यकता थी? अभी तो उसने योजन भर भी नहीं जोता। व्यर्थ समय ना गवाओ मूर्खो, शीघ्र भूमि को जोतो। स्वामी, बैल को प्यास लगी थी, सुबह से हल जोत रहे हैं और भूखे भी हैं। मैंने सोचा इन्हें आराम मिल जाए, इसलिए। पशुओं को कैसा विश्राम मूर्ख? ये भूमि मुझे वरदान स्वरूप दी गई है। यदि ये ईश्वर की इच्छा नहीं होती कि इस भूमि पर सदा हल चलता रहे, तो इसे उपजाऊ ही क्यों बनाता? पशुओं से करुणा नहीं, पशुता से काम लेना चाहिए। पशुओं पर अत्याचार करना अधर्म है, अन्याय है। ये भी तो जीव है, इन्हें भी तो हमारी तरह भूख लगती है, प्यास लगती है। इनमें भी तो करुणा होती है। कौन रोकेगा मुझे इस अत्याचार को करने से? तू! यदि इतनी ही करुणा है पशुओं से, तो स्वयं क्यों नहीं जुड़ जाता? मैं अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि यह भी ना देख सका कि वो और कोई नहीं साक्षात ब्रह्मदेव थे जिन्होंने मुझे वरदान दिया था। अब उनके ही श्राप से मैंने पशु योनि में जन्म लिया और तभी से इस भूमि की रक्षा कर रहा हूं। आज आपने मेरा उद्धार कर दिया प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन। दाऊ, हमारे पास समय शेष नहीं, हमें शीघ्र ही वृंदावन के लिए प्रस्थान करना होगा। यशोदा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं अपना विवेक नहीं रख पाई स्वामी, क्या करो, ये भूख सहन ही नहीं हो पा रही है। यशोदा, यदि मृत्यु का वरण करना ही है तो सुरक्षा से करेंगे। चलो यमुना के जल में समाधि लेंगे, सबकी बात। चलो। नहीं यार, मैं कान्हा के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। उसने कहा है कि वो शीघ्र ही वापस लौट कर आएगा। यशोदा, जब तक कान्हा आएगा पूरा वृंदावन शमशान बन चुका होगा। आर्य, आर्य कहाँ जा रहे हैं आप? धन्य गुरुदेव, धन्य 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 आप। बल लगाने पे भी ये क्यों नहीं चल रहा? गुरुदेव कुछ कीजिए। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाने के पश्चात भी इसे रोक क्यों नहीं पा रहा हूं? कृष्णा कृष्णा। अद्भुत, अभी तो यह हल हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था और अभी देखो कितनी सहजता से भूमि के गर्भ में चल रहा है। भूमि को तो हल से जोत दिया, अब और प्रभु की माया धन्य है। क्या हुआ गुरुदेव? आप इतने उत्ते कितना हो? मैं उस कृष्णा को विजयी नहीं होने दूंगा। वो कृष्णा मुझे परास्त नहीं कर सकता। ये मेरी विद्याओं, मेरी शक्ति का परीक्षण है। नहीं, कदापि नहीं। छाया कैसी? हे ईश्वर, हमारे गुरुदेव के प्राणों की रक्षा कीजिए। गुरुदेव उठिए। गुरुदेव गुरुवर को पता नहीं, अकस्मात ही जल में से एक छाया की उत्पत्ति हुई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने गुरुदेव के संपूर्ण शरीर को ग्रस लिया हो। लगता है कोई मृत्यु का दूत था जो हमारे गुरुवर योगेश्वर जी के प्राण हरने आया था। कदाचित उनका अनुमान सही था। इस सब के पीछे काली मायावी शक्तियां ही कार्यरत है। खाना बस तरफ मरने तक है कि हम जल में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दें। पीछे हटिए, पीछे हटिए। कितनी भी आशा नहीं है, तो एक दिन सबको है ही। ऐसा मत कहिए बाबा, तभी शांति से काम लीजिए। खाना भी आता ही होगा, आप पीछे हटिए। ये तो चमत्कार है। अमर फल के सुगंध से भूख की व्याकुलता मिट गई। हाँ हाँ, मुझे भी अब कोई पीड़ा नहीं है। मेरी भी भूख खत्म हो गई है। धन्य भाग हमारे, जो आपके हाथों से मेरे प्राणों की रक्षा हुई। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कृष्ण। किसी और की उद्दंडता के लिए मैंने समूचे वृंदावन को श्राप दे दिया। क्षमा चाहता हूं। महोदय, कौन है आप? अरे, ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप? क्षमा करें श्रीमान, परंतु इस पेड़ की टहनी आपके ऊपर गिरने वाली थी। पर आपको कैसे पता चला? वो क्या है कि मैं भविष्य को देख सकता हूँ और वृंदावन निवासियों की सहायता के उद्देश्य से ही मैं यहाँ आया हूँ। लगता है कोई संकट आने वाला है वृंदावन में।